इस प्रकार का। यह जो विवाह लीला है, यह जो सुनता है उसके यहां मांगलिक कार्यों में निरंतर आनंद ही होता। गोस्वामी जी आए, अब अयोध्या कांड में प्रविष्ट हो रहे हो। जब अयोध्या कांड का प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने, जिस अयोध्या कांड को बड़ा ही विशिष्ट बनाया महाराज, बड़ा ही विशिष्ट बनाया, और इसमें तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा, नीलांबुजश्यामलकोमलांगम समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। वो स्वामी जी के अनुसार यह जो श्लोक है यह पूरी रामायण है। इस श्लोक के पाठ से पूरे रामायण के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांग, रामचंद्र जी नील वर्ण के हैं, कोमल अंग है उनका, कोमल अंग तो बालक का होता है, तो बालकांड भगवान की बाल लीला का वर्णन क्या है। सीता समारोपित वाम भागम, सीता जी राम जी के वामी भाग में विराज रही है, जब विवाह हो गया तो विवाह लीला करी। पांडव महासायक चारु चापम, हाथ में धनुष बाण लेकर भगवान युद्ध कर रहे, युद्ध रण लीला की बात कही। और नमामि रामम रघुवंश नाथम, रघुवंश के नाथ राजाधिराज रामचंद्र जी बने। जब अयोध्या वापस लौटकर सिंहासन को स्वीकार किया तो यह राज्य लीला कही। तो इस चार लीलाओं में ही पूरी राम कथा है, बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। क्योंकि राम जी तो सबके मित्र हैं, रामचंद्र जी सबके मित्र हैं। रामचंद्र जी से संबंध रखने वाला कभी घाटे में नहीं रह सकता। रामचंद्र जी से मित्रता करने वाले को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होता। राम जी ने तो सबका कल्याण किया है। जिस महाराज जनक को चिंता हो गई थी, वीर विहीन मही मैं जानी, कोई वीर है ही नहीं धरती पर, तो भगवान ने उनकी चिंता दूर कर दी। कह रहे थे लिखा न विधि भय देही विवाहु, राम जी ने कहा अरे विधि ने जिसे नहीं लिखा है उसे तो, जिसे ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो नहीं है वो राम जी के पास है। ब्रह्मा जी ने जिसे नहीं लिखा किसी के भाग्य में, राम जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, हमारे ऊपर ब्रह्मा जी का नियंत्रण थोड़ा ही चलता है, हमारे ऊपर ब्रह्मा जी का नियंत्रण नहीं चलता, आपके ऊपर आपके भाग्य में भले कुछ न लिखा हो पर चिंता की बात नहीं। जब राम आ गए जीवन में, जब जीवन में राम आ गए तो आनंद ही आनंद हो गया। किसी के भी जीवन में जब राम जी आ जाएं, बेटा बेटी आए तो कोई जो आवश्यक नहीं, कोई और आए आवश्यक नहीं कि सुख मिलेगा, पर जब रामचंद्र जी जीवन में आ जाते हैं तो महाराज दशरथ के भी जीवन में आनंद हो गया था। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, दशरथ जी की चिंता रामचंद्र जी ने मिटा दी, जनक जी की चिंता रामचंद्र जी ने मिटा दी, विश्वामित्र जी की चिंता रामचंद्र जी ने मिटा दी, अहल्या की चिंता, अहल्या का अहल्या को ताप शाप
अहल्या को पाप ताप, पाप शाप और ताप तीनों से मुक्त कर दिया, चिंता मिटा दी रामचंद्र जी ने, मिथिला मिथिलानियों का की चिंता मिटा दी रामचंद्र जी ने, और अब केकई जी की चिंता मिटाने जा रहे राम।